Morning, my dear students. In last class, we discuss entrepreneurship. Entrepreneurship क्या होती है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे types of entrepreneurship from societal perspective. Types of entrepreneurship from societal perspective. इसमें हमारे कई टाइप्स के प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो दिए गए हैं. पहला है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट वन सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. ये फाइव टाइप्स के हैं. अब बात करते हैं पहले सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें दिया गया है व्हेन एन एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइजेस एनी सोशल प्रॉब्लम एंड यूजेस एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस टू ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज देन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी प्रैक्टिसिंग एट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ पर जो भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो या कोई सोशल चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है. और ऐसे में जो हम अपने मेथड्स आइडियाज यूज करते हैं, मीन्स अपने समाज को हम चेंज जहाँ पे करना चाहते हैं, वो हमारा आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. आफ्टर दैट एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर एंगेज इन द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चर. हम यहाँ पर मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो हमारे फार्मर्स के लिए यूज किए जाते हैं. फार्मर्स उनका अपने फार्मिंग में यूज करते हैं. दैट इज द एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप दैट एंटरप्रेन्योर हुज ओनर इज वुमेन, जिसका ओनर वुमेन होती है, ठीक है. व्हेन एनी वेंचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज एंड ओन्ड बाय अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इट इज कॉल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. मीन्स ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस जो किसी वुमेन के थ्रू ओन, मीन्स उसका मालिक जो होता है वो वुमेन, ठीक है. दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए स्मॉल स्केल नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा बिजनेस जो छोटे लेवल पे चल रहा हो, ठीक है, जिसका सेटअप बहुत छोटा हो, ठीक है. माइक्रो लेवल बिजनेस होता है, ठीक. मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल बिजनेस. मीन्स जो भी छोटे छोटे बिजनेस हैं वो हमारे स्मॉल लेवल स्केल भी करते हैं, वो हमारे उनको हम माइक्रो बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप. तो सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप आर दोज हु डेवलप अ पर्टिकुलर बिजनेस. वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस को डेवलप करते हैं एंड ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दैट बिजनेस टू सम अदर पर्सन व्हाइल दे मूव ऑन टू सेट अप एनी
न्यू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कंपनी जब की शुरुआत की थी, कोई कंपनी स्टार्ट की, कोई बिजनेस शुरू किया, हमने क्या किया उसको उस समय तक रन किया, हमने चलाया, उसे पैसा कमाया। उसके बाद क्या होता है, उस बिजनेस को हमने किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। और हमने क्या किया, एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, दैट इज द सीरियल बिजनेस, ठीक है। सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। सोसाइटी में हमारे इस तरह के जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बात करते हैं पहला एडवांटेज इसका है, वो है आपका कंट्रोल। हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो होता है हमारा, उसमें द वर्क विल बी डन बाय द वर्क विल बी अलॉटेड टू अदर पीपल, दे हैव फ्रीडम टू यूज देयर स्ट्रेंथ एंड स्किल एज दे विश। हमने जो बिजनेस शुरू किया तो हमारी कंट्रोलिंग फुल रहती है, कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, पूरा फ्रीडम है हमारे पास, जितनी भी स्ट्रेंथ हमको अपनी यूज़ करनी है वो स्ट्रेंथ हम यूज़ कर सकते हैं। हम किसी के अंडर में नहीं कि हमको इतना बताया जाएगा और हम इतना काम करेंगे, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपनी कितनी स्ट्रेंथ, हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना जो भी स्ट्रेंथ है वो हम यूज करेंगे, ठीक। तो कंट्रोलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, शुरू किया है, उसके लिए हमारे पास एक्साइटमेंट होता है कि इतना ये हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे इतना पैसा आएगा, उसके बाद फिर इतना पैसा आने के बाद हम ये चीज़ शुरू करेंगे, मीन्स हमारे अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है जब बिजनेस शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस प्रोग्रेस डेवलप होता रहता है वैसे ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है, ठीक है। हमको जो चीज़ समझ आ, जैसे किसी सब्जेक्ट में ही होता है हमारा, हम पढ़ने लगते हैं उसमें कुछ समझ में आने लगता है अच्छे से, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है कि ये भी आ रहा है तो ये भी पढ़ लें, ये आ रहा है तो ये भी पढ़ लें। या इसी तरह बिजनेस में भी ये चीज़ कर रही है, अगला भी बिजनेस शुरू करें, दूसरी चीज़ शुरू करें, ये भी प्रोडक्ट लाएँ, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करें, इस तरह से हमारा जो एक्साइटमेंट है वो हमारे बिजनेस में बढ़ता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स हैव द फ्रीडम टू फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन वर्क शेड्यूल। हम अपने वर्क शेड्यूल के और हम अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कितने समय हमको काम करना है, कितने समय रेस्ट करना है, तो इस ये तो हमारा फ्रीडम के अंदर दिया था। नेक्स्ट जो है एडवांटेज है फ्रीडम, फ्रीडम भी है। आई हैव टाइम, आई हैव टू सेट द टाइम डू आवर वर्क, हम कितने समय वर्क करेंगे, कितने समय रेस्ट करेंगे, कितने समय क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पर डिपेंड करती हैं। कोई भी बिजनेस करेंगे तो हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते, हमको सिर्फ सेल्फ देखना है कि कैसे करना है, कैसे बिजनेस, कैसे पैसा आना है, कैसे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने, कैसे अपने एम्प्लॉइज को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हमारे पर डिपेंड करती हैं। तो वो आता है फ्रीडम के। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसएडवांटेज, इसी में डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है। हमको कोई भी बिजनेस शुरू करना है उससे पहले हमको उसका एडमिनिस्ट्रेशन बनाना,
सेटअप बनाना पड़ेगा पूरा, उसके एक एडमिन ऑफिस होना चाहिए प्रॉपर, कि हमारे जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पर, उनको कैसे हैंडल करना है, कौन कैसे कैसे वर्क करेगा, पूरा हमको एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो ये आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट जो है कॉम्पिटिशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिशन भी हमारा बिजनेस में बढ़ता जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही कंपनी हमारी ही चल रही है, बहुत सारी कंपनी चल रही है। अगर उन्होंने हमसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग बनना करना शुरू कर दी, तो हमारा बिजनेस जो होगा वो लो हो जाएगा, हमारा जो अर्निंग हो रही बहुत स्लो हो जाएगी, इसलिए कॉम्पिटिशन भी हमारा बहुत होता है, तो ये डिसएडवांटेज में आता है। नेक्स्ट जो है नो रेगुलर सैलरी, यहाँ पर कोई भी आपकी रेगुलर सैलरी नहीं होगी। हो सकता है आप करोड़ों कमाए, हो सकता है आप एक महीना आपका बिजनेस बंद रहा, उस बिजनेस में आपका कोई सैलरी नहीं आएगी, कहीं अर्निंग नहीं होगी, ना आप अपने एम्प्लॉयज को दे पाओगे, ना आपके पास खुद आएगी। तो इस तरह से आपके पास नो रेगुलर सैलरी, कोई भी रेगुलर सैलरी नहीं आएगी आपके इस पूरे बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेज की बात की मैंने, कंट्रोलिंग होती है, एक्साइटमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होता है। नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हमको एडमिन ऑफिस बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन भी होगा हमारा, और नो रेगुलर सैलरी। तो इसमें जो है पूरा हमारे डिसएडवांटेज है इसकी, इसके बाद सेशन जो है सेशन फोर शुरू करते हैं इसमें, क्योंकि सेशन थ्री काफी लंबा है तो इसमें हो नहीं पाएगा। सेशन फॉर है माइंड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसे कुछ लॉज हैं, ठीक है, जो आते हैं एंटरप्रेन्योर्स। पहला माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। After that, next is you only need a good idea to start. You only need good idea to start. To start a business. Next is going a business means freedom. Next one, business either succeed or fail. Either
नेक्स्ट वन, बिजनेस कैन बी रन बाय एमबीए होल्डर्स, बिजनेस कैन बी रन बाय ओनली एमबीए होल्डर्स। After that, real investors do not quit. Do not quit. Next one, all responsibilities lie on the entrepreneur. ये सेवन माइल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द माइल्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। पहला माइल्स कहते हैं एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर लोग जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ठीक है, ना कि इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। पहले से वो जब पैदा होते हैं वो बिजनेस वहीं से तैयार करते हैं वो, ठीक है, शुरुआत से ही उनका जो माइंड मेकअप है शुरुआत से ही उनका बिजनेस में शुरू हो जाता है, ना कि उनको जबरदस्ती कहा जा सकता है कि आप बिजनेस करिए, शुरू करिए। जहाँ पे आपका वो मन करेगा वो शुरुआत से ही आपके चाइल्डहुड से ही वो शुरू हो जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो आपको माइंड मेकअप खुद ही बनता चला जाता है। जैसे ही जैसे आप एक होते जाएंगे वैसे ही वो साथ ही, किसी को जबरदस्ती आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। यहाँ पर ये चीज है एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न, ठीक है। आफ्टर दैट यू ओनली नीड गुड आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको एक अच्छा आइडिया की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस शुरू करने की, ठीक। तो दिस इज द नेक्स्ट माइस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आफ्टर दैट ओनिंग अ बिजनेस फ्रीडम। आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस के मालिक है किसी बिजनेस के, तो आप फ्री हैं, एकदम फ्रीडम है, ठीक है, आपके पास पूरा समय है, आप कहीं भी किसी भी समय कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन यू, आपका बिजनेस आप कैसे कर रहे हो आपके पास, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि हम इतने समय ही काम करेंगे, इतने समय ही करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल फ्री हैं, मीन्स आप हैव फ्रीडम, फुली फ्रीडम आप अगर बिजनेस शुरू कर चुके हैं, ठीक है। बिजनेस आइदर सक्सीड और फेल, ये भी रिस्क भी है। जब आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है फेल हो जाए या हो सकता है सक्सीड भी हो सकता है, ठीक। दैट डिपेंड ऑन योर आइडिया, आपका आइडिया कैसा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी को। बिजनेस नेक्स्ट माइल जो है, बिजनेस कैन बी रन बाय ओनली एमबीए होल्डर्स। एमबीए एक डिग्री होती है इस, तो कहां पर आपको मार्केटिंग का पूरा बिजनेस का जो फंडा होता है वो पूरा बढ़ाया जाता है, ठीक। अगर आप ये बिजनेस शुरू करें तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर एमबीए होल्डर्स ही हों, ठीक है। तो जो बिजनेस के आइडियाज, क्रिएटिविटी जो भी आपके होगा वो सारा कुछ एमबीए होल्डर्स संभाल लेते हैं। आप ऐसे ही किसी पर्सन से कराएंगे तो आपका बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आफ्टर दैट रियल एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट क्वाइट। जो रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, रियल बिजनेस मैन होते हैं, वो अपने आप को कभी क्वाइट नहीं करते हैं कि हम अरे बिजनेस स्टॉप हो चुका है अब आगे काम नहीं करते हैं। बिजनेस स्टॉप हो चुका है, यू ट्राई टू नेक्स्ट बिजनेस में ट्राई करेंगे, उसी में दोबारा से आप कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक, आपने उसको क्वाइट कर दिया, नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे।
ऐसा नहीं करना है। जो रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा उसके प्रति लगे रहते हैं कि हमको कैसे अपना बिजनेस शुरू करना है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई ऑन द एंटरप्रेन्योर, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी आपके जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेस मैन जो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर है, किसी एम्प्लॉई के ऊपर, किसी वर्कर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी चीज़ें उनको खुद ही देखनी पड़ती हैं और तभी वो बिजनेस भी हमारा सही से रन हो। तो हमारा जो है इसमें सेशन वन और थ्री कंप्लीट हो चुका है। सेशन वन एंड टू ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है हमारा अभी बचा है, सेकेंड बचा है, थर्ड बचा है और फिफ्थ भी बचा हुआ है, ठीक है। थर्ड मीन तीन सेशन से बचे, दो सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला सेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।